आज मोदी जी सबके से डाल रहे हैं, एयर इंडिया बिक गई, LIC बिकने जा रही है, रेल प्राइवेट हो रही है, पेट्रोलियम कंपनियां बिकने जा रही है, सड़कें बिकने जा रही है, शिक्षा बिकने जा रही है। और अगर सरकारी विभाग बिक गए, सब प्राइवेट हो गए, तो जो 1 लाख रुपया महीना नौकरी पाता है, 10,000 रुपया महीना में नौकरी करेगा। प्राइवेट सेक्टर में चला गया तो 50,000 रुपया महीना कमाने वाला व्यक्ति 5,000 रुपया महीना में नौकरी करेगा प्राइवेट सेक्टर में। ये हाल है मोदी जी का, लूट करके विदेश देने की बात तो बहुत अलग है और हमारा रुपया लेकर विदेश भाग गए, ये मोदी जी के समय में हुआ। और जिस मोदी जी जो स्विट्जरलैंड के स्विट बैंक से काला धन वापस लाकर घर छूट गई, पैदल चल के आए। मोदी जी कहते थे मैं देश का प्रधानमंत्री बना भाइयों बहनों, तो हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चलेगा, ये कहते थे। लॉकडाउन में रेलगाड़ी नहीं मिली, मोटर गाड़ी नहीं मिली, पैदल चल चल के आए लोग। अगर सड़कों पर हमारे लोग चले तो पुलिस वालों ने डंडा मारने का काम किया, सही बता दूंगा, पुलिस वालों ने डंडा मारने का काम किया और जबरदस्ती उन्हें बेड़ने का भी काम किया। खाना पानी नहीं मिलता था, ये मोदी जी के राज में हो गया। साथियों महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई, सरसों का तेल 200 रुपया के ऊपर है ना। मोदी जी के रहते हुए 20,000 करोड़ रुपया और जमा हो गया, ये मोबाइल और जमा हो गया। जनता को मैं बता दूं, मैं आजमगढ़ में था अभी 2 दिन पहले। आजमगढ़ में जो उनकी अमित शाह जी की रैली हुई है, वहां पर सरकारी कर्मचारियों को बेतहाशा उनको लाने का काम किया गया और यहां तक कि सरकारी पैसे से जो है बसों का इंतजाम किया गया कि जनता आए वहां पर, जनता को लाया जाए और उनकी रैली सफल हो जाए। अब जनता बिल्कुल आना नहीं चाहती, लेकिन सरकारी कर्मचारी मजबूर है बेचारा जो है वो आने के लिए, और इसीलिए वो जो है उसे पकड़ पकड़ कर लाया जाता है, रैलियां सफल की जाती हैं। गुंडे भाग गए? देखिए गुंडे भाग नहीं गए हैं, गुंडे बचाए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुन चुन के गुंडों को बचाने का काम किया है और जो बड़े बड़े गुंडे हैं, बड़े बड़े माफिया हैं, उन्हें संरक्षण देने का काम किया है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो उन गुंडों की सूची समाजवादी पार्टी जारी करेगी और तब पता चलेगा कि टॉप 10 गुंडों में कौन लोग थे और किसको भारतीय जनता पार्टी ने बचाया था। जो